शुक्रवार की सुबह भूकंप के हल्के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10:05 में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिले में किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। सीसी न्यूज के लिए पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह भूकंप के हल्के झटकों ने बागेश्वर के लोगों को हिलाकर रख दिया। सुबह 10:05 में बागेश्वर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 3.3 मैग्नीट्यूड आंकी गई है। उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र भी बागेश्वर ही था। बागेश्वर जिले में किसी भी स्थान से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इधर भूकंप के बाद जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिले की सभी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है कि बागेश्वर में 3.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है और 10:05 में ये भूकंप आया है। तो हमने अपनी सभी तहसीलों से, थानों से सूचना प्राप्त की है। अभी तक कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अभी हमने सभी डिपार्टमेंट्स और सारे हमारे तहसील थानों उनको अलर्ट में भी रखा है कि कहीं भी कोई सूचना ऐसी प्राप्त होती है तो उसमें तुरंत कंट्रोल रूम में अवगत करेंगे। अभी तो मौसम विभाग के द्वारा भी किसी तरीके का अभी कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है और अभी स्थिति सामान्य बताई गई।